तो ये रहा बस जिसमें हमको कैंपस शो करना है। अरे यार, मैं तुझे कब से बोल रही हूँ कि आवाज़ थोड़ी कम कर ले। हेलो गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपने दो ब्लॉग्स पीछे वाले देखे होंगे तो पता चल गया होगा कि मेरा इंडक्शन चल रहा है। आज मेरा इंडक्शन का डे 3 है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं डे 3 के लिए। 9:30 से हमारा आज है ना यूनिवर्सिटी टूर है पहले, एंड फिर बाद में ना 3:30 से है ना जलंधर टूर है, जलंधर सिटी टूर है, तो हमको वो टूर कराया जाएगा। तो आज हमको जाके वो करना है, तो अभी हम लोग जल्दी चल रहे हैं पहले। आज थोड़ा जल्दी निकले कल के मुकाबले में, तो आज आराम से थोड़ा जाएंगे एंड फिर जाके वहाँ पर बैठेंगे बस में, शायद बस में वाला टूर कराया जाएगा, तो आपसे शेयर करने वाला हूँ। पहना नॉर्मल से ये शर्ट एंड फिर नीचे ना हल्का जॉगर टाइप में पहना है जीन्स। ऑलमोस्ट पहुँच गए हम, यूनिवर्सिटी का गेट वहाँ पे आगे है एंड हम पहुँचने ही वाले हैं। हम यूनी हेल्थ सेंटर पहुँच चुके हुए हैं एंड हमें जाना है यहाँ से हमारे लोकेशन पर, जहाँ पर हमको बस मिलेगी, जो कि हमको है ना पूरा कैंपस टूर करवाई है। कैंपस बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो एक बार टूर कराया जाएगा हमको। अभी 3 सितंबर को है ना लाइव कॉन्सर्ट होने वाला है इनका। सब लोग शायद यहीं पे बैठे हुए हैं, तो हम भी यहीं पे बैठ गए हुए हैं कि हमने सर से पूछा, सर ने बोला यहीं पे बैठना है, फिर बस आएगा एंड लेके जाएगा, तो हम भी यहाँ पे वेटिंग कर रहे हैं। सो फिलहाल वहाँ मोनू जा रहा हुआ है। अभी फीस कल रात को पे हुआ था, तो अभी जा रहा है, वो स्टैंप लगा के आएगा, ताकि है ना हम बाद में मंडे को आए, 24 को हमारा डेट है, तो आईडी कार्ड हमको मिल जाए एंड फिर गेट्स ओपन हो जाए कॉलेज यूनिवर्सिटी का, तो हम वहाँ से आराम से आ पाए। वो सारे आपको शो ऑफ करना, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता नहीं स्टार्टिंग में, सो वी आर प्रोवाइडिंग यू अंडर FTS। हम इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आपको FTS के अंदर में दे रहे हैं, ताकि आप अपने टैलेंट को शो ऑफ कर सके, आपकी स्किल्स को दिखा सके, दैट यू आर बेटर देन अदर्स। आपने गाना सुना होगा ओ हो हो हो, तो ये जो उनका सॉन्ग है बहुत फेमस है, पूरी दुनिया इनके ग्रोथ कर चुकी है, तो उनका कॉन्सर्ट 3 सितंबर को यहाँ पे आने वाला है एंड विच इज ऑर्गेनाइज बाय ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम खोज है। उन्होंने अरे यार, मैं तुझे कब से बोल रही हूँ कि आवाज़ थोड़ी कम कर ले, मेरा सिर दर्द हो रहा है यार, और वैसे भी कल मेरा एग्जाम है, मुझे पढ़ना है। अच्छा पढ़ना है? हाँ तो लाइब्रेरी जाओ पढ़ ले, सिंपल। अब इतनी किताबें उठाकर मैं लाइब्रेरी जाऊँगी? और ये रूम का क्या हाल बना रखा है यार, और ये तेरा गीला तौलिया तूने फिर से मेरे बेड पे फेंक दिया। तो मेक श्योर आप इसका पार्ट हो रहे हो, जो इसका चार्ज है 500 रुपीज होगी, 100 में आप पूरा अमृतसर घूम सकते हैं। कल कलयुग का संडे है, संडे का मौका कोई नहीं गंवाना चाहेगा। कल आराम से मैं आराम करने वाला हूँ, मैं कहीं कल जाने वाला नहीं हूँ। कल हम बस के पास जा रहे हैं कैंपस टूर करने के लिए, उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि ताकि आप बस में बैठ सकते हैं, तो वहाँ पे चलते हैं। सो ये रहा बस जिसमें हमको कैंपस शो करना है। मस्त जगह देख के बैठे हैं बीच में, ताकि अच्छे से आए एंड पहले हमें विंडो चेक के लिए खुल रहा है कि नहीं, गर्मी बहुत ज़्यादा है, हवा की बहुत आवश्यकता है। फाइनली बस चल चुकी है एंड अब हम देख रहे हैं। हमको यहाँ पे एग्रीकल्चर के पास लेके जा रहे हैं दिखाने के लिए शायद। को लग रहा है कि ड्रैगन फ्रूट प्लांट किया इन्होंने यहाँ पे, पता नहीं क्यों लिखा है कि नहीं वो भी पता नहीं चल रहा है। तो अब हम वहाँ से आ चुके हैं एंड बस में फिर से बैठ गए हैं, आगे भी फिर लेके जा रहे हैं, तो अब आगे चलते हैं एंड और भी घूमते जा घुमा। स्विमिंग पूल एंड और ये सब दिखाने के लिए आए थे यहाँ पे स्टेडियम, जो जो चीज़ का है सब कुछ।
वहाँ पे ऊपर ना जिम भी है एक्चुअली, एंड इधर स्विमिंग पूल है। तुमने भूख लगी हुआ है जोर से, घर से अच्छा वो बिस्किट मैंने कल का बैग में रख लिया हुआ था तो था, एंड घर से दो रोटी खा के भी आया था एंड टिफिन लेके भी आया, कोई पता नहीं कि इतना भूख लग गया था, मैं चलो बिस्किट ही खा लेता हूँ एंड पानी पी लेता हूँ। फाइनली हमारा यूनिवर्सिटी टूर हो चुका हुआ है एंड अभी मैं ना थिएटर ग्रुप में ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो इसके लिए वहाँ पे नाम लिखा रहा हूँ अपना एंड फिर बाद में मेरे एक बार ऑडिशन होगा एंड फिर मैं थिएटर ग्रुप ज्वाइन करने वाला हूँ। तो अभी मेरा UMS चेक किया जा रहा है, मेरा रजिस्टर नंबर एंड ऑल, एंड भाई बाद में भैया वहाँ पे एंटर कर देंगे एंड फिर मेरा ग्रुप फाइनली ज्वाइन हो जाने वाला है। तो हमारी यूनिवर्सिटी टूर हो चुका हुआ है, हमने ना क्लब भी ज्वाइन कर लिया है, मैंने और उन्होंने थिएटर क्लब ज्वाइन किया है एंड उसने डांस क्लब एंड कुछ कुछ ज्वाइन किया हुआ है। तो हमारा वो जो क्लब जो भी रहेगा ना, हमारी क्लासेस लगेंगी, वो क्लासेस होने के बाद 5 बजे के बाद लगेगा, तो हम उसे जाकर अटेंड कर सकते हुए। तो हमें काफ़ी शौक था एक्टिंग करने का, तो फाइनली अब मौका मिलेगा, हम सीख पाएंगे एंड हमने देखा था उस दिन हमारे जब ऑडिटोरियम में प्रोग्राम चल रहा था, काफ़ी अच्छे से वो एक्टिंग कर रहे थे चल रहा था, तो खास हम भी वैसे ट्रेंड हो जाए एंड मज़ा आने वाला है। तो अभी हम लंच ब्रेक के लिए जा रहे हैं फिलहाल, जहाँ पे हमने कल खाना खाया था, घर से खाना बना के लेके आए, सुबह से उठ के मैंने बनाया था रोटी सब्जी एंड इन्होंने मेरा हेल्प किया था बनाने में, तो फिर अभी वही जाते हैं खाते पीते हैं एंड फिर घर के निकलते हैं। फाइनली आज भी 1 ही बज रहा है एंड खा पी के 3 बजे तक हम घर पर पहुँच ही जाएंगे हम लोग। फर्स्ट टाइम पता है ये गवार फली नहीं, बोड़ों की सब्ज़ी बनाई है एंड काफ़ी मस्त बना है, मैं भी खाकर शॉक्ड हूँ, मुझे लगा नहीं था इतना अच्छा बना हुआ, बट काफ़ी अच्छा बना हुआ है, मैं दिखाता हूँ कैसा दिखा रहा है। ये रहा सब्जी और ये रहा रोटी मैंने जो बनाया था सुबह एंड पैक किया हुआ था। गाइस खाना पीना हो चुका हुआ है एंड हमारा बाकी सारा काम भी हो चुका हुआ है, फीस वीस का जो भी था हमारा हो चुका हुआ है, स्टैम्प मिल चुका हुआ है, आईडी कार्ड डेट 21st ऑफ अगस्त है, तो 21st यानी कि मंडे को आना है हमको, आज सैटरडे है एंड इंडक्शन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, मंडे से क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी हमारे रेगुलर क्लासेस जो भी रहेगा वो भी, तो 10 बजे से क्लासेस स्टार्ट है एंड 9 से 10 तक का हमको टाइमिंग दिया आईडी कार्ड के लिए, तो हम आएंगे एंड आईडी कार्ड लेके जाने वाले हैं। एंड हाँ गाइस, अगर आप मेरे को जानते हो एंड आप मेरे को देख रहे हो एंड मैं आपको ना स्माइल नहीं कर रहा हूँ, तो ये मत सोचना कि मैं कोई एटीट्यूड दिखा रहा हूँ, आप डायरेक्ट आके बात कर लेना, क्योंकि मेरे को खुद अजीब लगता है, क्योंकि मैं किसी रैंडम को देख के स्माइल तो कर नहीं सकता हूँ, पर आप स्माइल कर रहे हो आगे से तो मैं भी स्माइल बैक कर सकता हूँ, और जस्ट देख रहे हो तो मैं स्माइल कर दूँ तो फिर मुझे भी बस अजीब सा लगता है ना इसके लिए, तो इसके लिए ना कोई ऐसा मत सोचना कि अगर आप मेरे को देख रहे हो जानते हुए कि हाँ मैं ऐसा करके, लेकिन फिर भी मैं कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा हूँ, तो ये होता है मैं एटीट्यूड में हूँ करके। जल्दी घर जा रहे हैं, जाके मैं आराम से आराम करता हूँ एंड मुझे इंडक्शन में सारे ब्लॉग्स एडिट मारना है, मेरा कुछ काम हुआ नहीं है ऐसे, कुछ एडिटिंग वेडिंग बची हुई है, आगे मैं बहुत कम ब्लॉग्स ला पाऊँगा, क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे तो कहाँ टाइम नहीं मिल रहा, घर काम भी करना होता है, ये वो पढ़ाई वढ़ाई भी है इसके लिए, तो मैं ट्राई करूँगा लाने का ब्लॉग्स, आप उसमें ना मुझे सपोर्ट करना एंड मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना, तब तक के लिए बाय बाय, मिलता हूँ बहुत जल्दी।